ये जो धरना है बहुत देर तक चली, मगर आप लेट करके है, क्या वजह? सॉरी है, मैं कुछ मजबूरी के वजह का लेट है। मेरे कुछ लोग उधर पैरवी कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें कहीं नहीं हो रहा, तो खरखरी में जो आज धरना था बिल्कुल। मैं कौन लोग है सर? कुछ लोग उधर। अब मैं किसी का ये मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। मैं तो वही साहब है जो कल तक जब जनता को वोट लेने के लिए की बारी थी तो वो यही कह रहे थे कि तुम मुझे मेरा कयादत मजबूत करो, हम हक छीन के लाएंगे। बस ये इस चीज़ को समझ। यकीन है कि हमेशा मांगने वालों ने भीख मांगी है और छीनने वालों ने हक लिया है। यकीनन है कि MIM अख्तरुलीमान संघर्ष समिति और सीमांचल का हर नौजवान आज हक को भीख मांगना नहीं चाहता है बल्कि लड़ाई लड़के हासिल करता। तो ये तो कैसा दोहरा चरित्र है। कल आप वोट लिए कि हम छीन के लाएंगे, लड़ के लाएंगे, गरेबान में हाथ डाल के लाएंगे, आज बोल रहे मेरी कोई सुन नहीं रहा, तो ये दोहरा चरित्र दोगला कैरेक्टर नहीं तो क्या है? इसी दोस्तों आदाब, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। अगर इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो पहले आप तक पहुंचे। ये जो धरना है बहुत देर तक चली, मगर आप लेट करके है, क्या वजह? सॉरी है, मैं कुछ मजबूरी के वजह का लेट है। मेरे पास ड्राइवर जो है वो कोविड का वैक्सीन लिया हुआ है, इस कारण उसको तबीयत बिगड़ गई है, और दूसरा ड्राइवर जो है उसके भाई का आज निकाह है। अंत में जब वो लोग नहीं आ पाया कोई तो मैं बॉडीगार्ड को लेकर के उसी को गाड़ी चला के आया और लेट हुआ, उसके लिए मैं माजरत कहूँ। सर यहाँ के लोगों को जो मांग है खरखरी भरभरी पुल, आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते? खरखरी जो मांग है महानंदा नदी पर खरखरी में पुल के लिए, ये बहुत ही वाजिब है कि वहाँ जो कई पंचायत के लोग हैं जिनको किशनगंज जिला मुख्यालय आने के लिए 80 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है, और अगर पुल बन जाने से मैं समझता हूँ कि 20-21 किलोमीटर में। सर सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी यहाँ के दौरे पर थे और उन्होंने ये वादा किया था कि पुल बन जाएगी, क्या ये जुमला था या फिर वादा सही है? नहीं, बिल्कुल वादा सही है, उसके लिए काम भी हुआ है, लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि यहाँ पर जब पहली बार जब नीतीश जी आए थे 2014 में अर्राबारी एग्रीकल्चर कॉलेज के शिलान्यास में मैं खुद था, उस वक्त भी बात हुई थी, और उसके बाद यहाँ फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगाया भी गया, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ से कुछ लोग जो है मांग करने लगे। निश्चितपुर एक कोई जगह है आगे, हाँ निश्चितपुर, तो उन लोगों का मानना कि पुल वहाँ जो है बनना चाहिए, इसी इसमें जो है ये मामला पीछे। इसके लिए नौशाद साहब भी कई बार विधानसभा में क्वेश्चन किए। मैं किशनगंज बहादुरगंज रोड में महानंदा में एक पुल के लिए कर रहा था, ये यहाँ के लिए कर रहे थे, तो उस वक्त जो है महानंदा में 58 करोड़ का DPR भी बना नबार्ड से, अब वो काम होना था लेकिन वहाँ पर अभी 4 लेन जो है स्वीकृत हुआ है किशनगंज से बहादुरगंज, जिस कारण बिहार सरकार का जो महानंदा में मूजाबारी घाट में पुल था वो कैंसिल हो गया है। सर आपके पार्टी की सरकार है और ये पुल नहीं बन रही है, क्या मामला? क्योंकि आज़ादी के 75 साल हो गए, क्या यहाँ के लोग गुलामी की जंजीर में अभी भी जकड़े हुए, या फिर क्या वजह है कि अभी तक पुल नहीं बन रहे? क्योंकि इन लोग संघर्ष बहुत दिन से कर रहे हैं, इस पुल संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित रूप से बनेगा। यहाँ पर पुल बनने में कितना पैसा लगेगा? 100 करोड़। अब जब यहीं पर आपके बगल में अर्राबारी है जहाँ नीतीश कुमार 1000 करोड़ रुपये से एक कॉलेज खोल सकते हैं, और आगे जाके जो है वो ये यूनिवर्सिटी का सपना है, और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ ये ज़मीन कैसे हुआ, आप ज़रा पता कर लीजिए। यहाँ धुमनिया के दबीर साहब हैं जो ज़मीन का काम करते हैं, 2011 में जुमा के दिन रात में मेरे पास गए कि हमारे यहाँ बिहार सरकार की ज़मीन है और उस पर आदिवासी लोग राजू दफ्तरी के चाय बागान से उठ के आके कब्जा कर रहा है, और हमको कागज़ दिए और एक मोटे करके काले करके नाम है अर्राबारी का, मैं नाम भूल रहा हूँ उनको, अमीन साहब, ये लोग गए थे, और शनिचर के दिन मैं खुद, जबकि मैं MLA नहीं था, लाल अमीन, समझ गए, लाल अमीन, ठीक है, और जो है मैं खुद अकेले उस वक्त जिला अध्यक्ष था और मैं आ रहा था, एक पैक्स चेयरमैन है सारोगोरा का शोएब बाबू, वो रास्ते में मिल गए, हम लोग गए वहाँ, ग्रामीणों से बात ही कर रहे हैं इस दरमियान, वो बेचारे नहीं रहे शोएब,
वो औरतों को लेके जितना आदिवासी का घर द्वार था सब नोच नाच के सब तोड़तार करके सब लेके गांव चला गया सर। और सुन लीजिए यहाँ, उसके बाद मैं उसी दिन डीएम साहब से बात किया और कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि यहाँ बिहार सरकार की 300 से एकड़ जमीन। मैं मुख्यमंत्री से बात किया शनिचर के दिन और आतवार के दिन 8 बजे मुझे बुलाया गया, मेरे साथ कारी मशकूर और जो हमारे पार्टी के जो वार्ड कमिश्नर नगर अध्यक्ष सुचीर सिंह, हम लोग गए पटना आतवार के दिन 8 बजे और 11 बजे तक यहाँ अर्राबारी में डीएम से ले के सारे अफसर जमीन पर पहुँच गए और इस जमीन को एएमयू सेंटर के लिए दूसरे ऑप्शन में, अगर चकला में नहीं जमीन पसंद है तो इसमें बनाइए। जब वहाँ बन गया तो नीतीश जी जब सेवा यात्रा में आए थे, डीएम पंकज कुमार संदीप कुमार पुटकट कल्टी थे और उनको बताया गया और मुख्यमंत्री यहाँ आके गए और घोषणा कर दिए कि यहाँ पर ये जिला कृषि प्रधान जिला है, एग्रीकल्चर कॉलेज, फिशरी कॉलेज, वेटनरी कॉलेज सब हो गया। जब 1000 करोड़ का कर सकते हैं तो निश्चित रूप से 100 करोड़ ज्यादा से ज्यादा, जैसे मानंदा महल हाँ सर, करेंगे तो करेंगे, कब तक करेंगे तो हम लोग उसके लिए कोशिश करेंगे, बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी, उसके लिए तन मन धन से जो भी होगा कि पुल यहाँ बनना चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन एक मिनट, लोगों को ये झगड़ा करना है कहीं भी एक जगह बन जाए और ये आपसी झगड़े में कुछ लोग उधर पैरवी कर रहे हैं कुछ लोग इसमें, कहीं नहीं हो रहा तो खरखरी में जो आज धरना था बिल्कुल। मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं जहाँ वाजिब जो हक बात है, पार्टी में रहते हुए भी बहुत सब पार्टी के डिसीजन के खिलाफ मैं जनता के साथ शामिल हो जाता हूँ, समझ गए। तो यहाँ के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। यहाँ जो खरखड़ी पुल निर्माण संघर्ष समिति है, ये फैजान बाबू मतीन साहब और दूसरे सारे लोग, सज्जाद साहब, ये लोग गए थे मेरे पास और अनफॉर्चुनेटली आज मैं लेट से आया। मैं बिल्कुल इनका जो मांग पत्र है उनका कॉपी मैं ले लेता हूँ। 2018 में भी इसी मांग को लेकर धरने में बैठा गया था लोकसभा चुनाव के दरमियान, मगर तब भी आश्वासन दिया गया था यहाँ के जनता को, उस समय से लेकर आज फिर धरना। निश्चित रूप से वहाँ 2018 के बारे में नहीं, मुझे तो पता नहीं है। और जब ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, जब मैं हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ और सिर्फ आपने तो यहाँ तक धरना दिया, फिर आगे बात को पहुँचाना सरकार तक जाना ना चाहिए। सरकार का आँख कान कौन होता है, MLA MPs होते हैं। नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी क्या जानते हैं कि खरखड़ी कौन जगह है? अर्राबाड़ी तो अब जान जगह है कि भाई नीतीश कुमार तो जानते हैं कि भाई इतना बड़ा खरखड़ी तो समझ गए। हाँ नहीं, हम प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं तो उनको जनाने का काम क्या है, हमारे जनप्रतिनिधि का काम है और उसमें मेरा जो भी सहयोग होगा मैं निश्चित रूप से करूंगा और यहाँ एकदम पुल बनना चाहिए और बनेगा इंशाल्लाह। पहले एक MLA से सवाल की गई इसी मैटर पर, तो कह रहे कि जो मुख्यमंत्री साहब है आपकी पार्टी के वो बात सुन नहीं रहे हैं। तो वो वही साहब है जो कल तक जब जनता को वोट लेने के लिए की बारी थी तो वो यही कह रहे थे कि तुम मुझे मेरा कयादत मजबूत करो, हम हक छीन के लाएंगे। तो ये तो कैसा दोहरा चरित्र है, कल आप वोट लिए कि हम छीन के लाएंगे, लड़ के लाएंगे, गरेबान में हाथ डाल के लाएंगे, आज बोल रहे हैं मेरी कोई सुन नहीं रहा। तो ये दोहरा चरित्र, दोगला कैरेक्टर नहीं तो क्या है? इसीलिए आप जाके जो साहब बोले हैं उनका जो जहाँ को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जरा उनका हाल उस क्षेत्र में जाके देख लीजिए। ज़्यादा बोलने से नहीं होता है। कल तक तो आपने बोल दिया कि 35 साल से फलाना MLA ने लूटा, बांस बोरा किया, ये किया, बोल्डर पिचिंग होना चाहिए। आज क्या स्थिति है? आज कहीं भी कुछ नहीं हो रहा, जनता चंदा करके काम कर रही है, आज उससे यही सवाल पूछ रहा है। कल तो आप बोल रहे थे ये लूट खसोट है, ये होना चाहिए, तो आज क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ बोलने से प्रिंस खान सुरजापुरी साहब काम नहीं होता है, ठीक है, बोलना भी जरूरी है। बोलने के साथ जहाँ जहाँ हथौड़ा लगना पड़ता है, हम लोगों ने काम किया इतना, उसकी वजह है कि हम लोग बोलने के साथ साथ जो चपरासी से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधान सचिव तक
हम लोग घूमते थे कि मेरा फाइल कहाँ अटका हुआ है, कहाँ दिक्कत है। एक रोड अगर पास होता है, जरा उन माननीय साहब से पूछिएगा, 29 टेबल में से गुजरता है एक रोड और पुल, समझिए RWD में 29 टेबल होता है। अगर कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन लग गया वहीं पर के रह जाएगा, आप उसको परसू नहीं कीजिएगा, फॉलो नहीं कीजिएगा, तो वो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। सर आप JDU के पर्दे उपाध्यक्ष हैं, इस नाते आप इस पुल के लिए क्या कीजिए, क्या कीजिए? मैंने तो बता दिया, मैं तन मन धन से बिल्कुल, जो हमारे नौजवान साथी, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जिन जो धरना दिए हैं या जो पुल निर्माण संघर्ष समिति है, उनके साथ हूँ। यहाँ पुल निर्माण के लिए मुझसे जो कुछ भी करना पड़ेगा, जितना आप सोच रहे हैं, मैं उससे ज़्यादा करूँगा। सर यहाँ के बारे जिला प्रशासन की ओर से 3 माह के वक्त टाइम ली गई। अब जिला प्रशासन टाइम लिए हैं तो वो जिला प्रशासन कहेंगे, जिला प्रशासन के बस में बात नहीं ना है कि वो पुल बना देंगे। पुल कहाँ से बनेगा पत्र, हाँ जिला प्रशासन एक उम्मीद पर बोले हैं कि जो आपकी जो बात है, आपका जो मांग है, मैं उसको जो है सरकार तक पहुँचा दूँगा। जिला में या किसी MLA साहब भी जो है यहाँ पुल बनाने के लिए, एक MLA को 3 करोड़ है, MP साहब को 5 करोड़, अभी कोरोना में वो भी फंड कट जाता है, तो उनसे नहीं ना होगा। ये जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक नहीं बनेगा। जिला प्रशासन बोले हैं निश्चित रूप से, एक उम्मीद से, कि आप जो आज धरना प्रदर्शन किए, जो आपका आपकी मांग है, उसको मैं सरकार तक पहुँचा दूँगा। और